अनुराधा जी हमारे पास हैं जो हमसे एक्जिमा का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं पूरे 4 महीने से, है ना? हाँ जी सर। तो अनुराधा जी, आपको ये प्रॉब्लम जो है शुरू कब हुई थी आपको पहले? सर, जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा बता रहे थे, मैं 3-4 साल की थी जब से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सर, मुझे तो नहीं ज़्यादा पता है, मेरे मम्मी पापा ने इलाज करवाया है मेरा। उन्होंने ही बताया कि बहुत ज़्यादा स्किन पे थी, पूरी बॉडी पे हो रही थी। तो उन्होंने मेरा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत दवाई खिलवाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। नहीं, आपको पता कैसे लगा कि आपको एक्जिमा ही है? ये कैसे डायग्नोस किया आपने? कुछ टेस्ट करवाए थे क्या? हाँ जी सर, मैं PGI गई थी, वहाँ मेरे टेस्ट करवाए गए, पूरी बॉडी के टेस्ट करवाए उन्होंने। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको जो स्किन की प्रॉब्लम नहीं, जो आपको एक्जिमा है। स्किन की प्रॉब्लम एक्जिमा है। तो फिर सर, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया वहाँ से। तो मैं मेडिसिन ले रही थी वहाँ से, तो जब तक लेती रही तब तक रिलीफ मिला, मुझे आराम था। फिर वही खारिश वगैरह होनी शुरू हो गई, उन्होंने ट्यूब दी लगाने के लिए, तो ट्यूब भी दी खाने के लिए, एलर्जी की गोली थी। तो जब वो कह रहे थे कि जब खारिश होगी खा लेना, तो जब मैं खाती रही तो मुझे आराम मिलता रहा। फिर से वही सर दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, किस मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी आपको? सर, ज़्यादा गर्मी आने से, तो जब मैंने कपड़े कुछ मोटे से पा लेने तब आ जानी, तो खारिश होती रहती थी दिन रात में, नींद नहीं आती। तो आप अभी हमारी जो दवा ले रहे हैं, कितनी देर से? 4 महीने हो गए आपको लेते हुए। आपको क्या लगता है कि अभी आपको कितना रिलीफ लग रहा है आपको? सर, अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इनसे। तो मुझे 4 मंथ हो गए हैं मेडिसिन खाते हुए। ओके। तो जब मैं दो मंथ की मेडिसिन ली, दो मंथ के बाद मुझे इसका रिलीफ मिलना शुरू हुआ। ओके। अभी आपको लगता है कि आप मतलब कुछ फर्क है, अच्छा कि नहीं? हाँ जी सर, मुझे बहुत फर्क है इससे। अब थोड़ा थोड़ा सा रह गया है जहाँ पे, तो अब मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। अब इन्होंने मुझे ऑयल दिया है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। वो कह रहे थे कि जड़ से ये ठीक हो जाएगी। अब मुझे भी लग रहा है कि जड़ से ये ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क है मुझे इससे। ठीक है, चलो, धन्यवाद जी।